نحمده ونسلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعلني وزيرا من أهلي اللهم فقهنا في الدين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما

तो हमने कहा लहम उनके लिए कुनू हो जाओ जाओ बंदर एन, जलील बंदर बन जाओ। तो जो हफ्ते का दिन था ना उसमें इन्होंने चीटिंग की उसमें हद से गुजर गए था क्या कि अल्लाह ताला ने इनके लिए हफ्ते का दिन चुना था इबादत का दिन हमारे लिए जैसे अल्लाह ने जुमे का दिन चुना है जैसे क्रिश्चियंस ईसाइयों के लिए क्या है इतवार का दिन है लेकिन फर्क क्या है अब हम जब सूरत जुम्मा पढ़ते हैं ना तो उससे हमें पता चलता है कि जुमे जुमे का दिन दिन जो है उस दिन हमें सिर्फ के वक्त सारा कुछ छोड़ने का हुक्म है जुमे के वक्त सारा कुछ छोड़ दो और इबादत करो फिर दोबारा दुनिया के कामों में लग जाओ इनके लिए क्या था हफ्ते का दिन इन्होंने पूरा छोड़ना था पूरा दिन इन्होंने दुनिया के काम छोड़ने थे रिस्क कमाना छोड़ना था और सारा दिन अल्लाह की इबादत करनी थी इनके लिए ये हुक्म था तो इन्होंने अब ये उस दिन मछलियां नहीं पकड़ सकते थे और अल्लाह की तरफ से उस दिन मछलियां आती भी ज्यादा थी एक तो उन्हें डेफिनेटली मछलियों को भी पता चल गया कि जी हफ्ते के दिन हमें कोई पकड़ नहीं रहा इस मखलूक में कुछ अक्ल तो अल्लाह ने रखी है ना अपनी प्रोटेक्शन वगैरह की तो उन्हें भी पता था कि हफ्ते को हमें कोई नहीं पकड़ा तो मछलियां भी फिर ज्यादा ऊपर ऊपर आती थी ऐसे ही होता है ना घरों में भी ऐसे ही होता है जिस घर में कोई ये कीड़े मकोड़े नहीं आते कोई मारने वाला ना हो ना तो वहां पे लाइन लग जाती है बस कीड़े मकोड़ों की ये मैंने ये बहुत नोट किया है वैसे तो सा मुझे डर लगता है ना छिपकलियों वगैरह से तो अगर छिपकली को ना मारो ना वहां आने लग जाती है रूटीन बना लेती है आना आ, मारना और भगाना शुरू कर तो फिर नहीं आती चूंटियों का भी यही सिस्टम है उन्हें खत्म करना शुरू करो ना एक पॉइंट एक जगह से फिर खत्म होती है वरना तो बस घर बना लेती है वहां पर और जाती ही नहीं है और ना कुछ कहो उन्हें आती रहेंगी आती रहेंगी तो मछलियों को भी पता था हफ्ते के दिन हमें कोई नहीं कुछ कह रहा वो भी आ रही थी और ये टेस्ट भी था अल्लाह की तरफ से <laughs> तो इन लोगों ने प्लानिंग कर ली कि हम ना जुमे की रात को जाला डाल दिया करेंगे पूरा जाल डाल दिया करेंगे मछलियां उसमें फंसती जाएंगी हफ्ते के दिन क्योंकि आती ज्यादा है खुद ही फंसती जाएंगी ऑटोमेटिकली हम तो कुछ नहीं कर रहे और अगले दिन इतवार को हम खींच लिया करेंगे फंसी हुई मछलियों को पानी में ही होंगी ना जिंदा ही होंगी लेकिन जाले में फंस चुकी होंगी तो हम इतवार को खींच लिया करेंगे लेकिन अल्लाह ताला ने इनको हर दुनिया के काम से इतनी सी हीला करने से भी अल्लाह ताला ने, ने हर चीज से मना किया हुआ था बेसिकली ये जो हीले होते हैं ना बहानों से काम करना ये ज्यादातर तो ठीक नहीं होते लेकिन कुछ हीले अलबत् ऐसे होते हैं जिनको स्कॉलर से अलबत् पूछना पड़ता है जो मुफ्तियन है या फी हजरात है उनसे पूछना पड़ता है तो वो बताते हैं कि कौन सा हीला किया जा सकता है कौन सा नहीं किया जा सकता तो खुद से ऐसे काम नहीं करना चाहिए खुद से बीच में तरीके रास्ते लें एक काम को ना अपने लिए जायज करने के कुछ लोग क्या करते हैं जो स्कॉलर्स ने भी जहाँ पे हमें हीला बताया ना जायज किया है कुछ उस पर भी एतराज करने लग जाते हैं हालांकि स्कॉलर्स ने किसी वजह से किया होता है और उनकी पूरी स्टडी होती है पीछे सारी रिसर्च होती है तो उलमा को गलत कहना ये भी बहुत बड़ी गलती है और बल्कि बदतमीजी कहना चाहिए ये आजकल लोगों ने ये काम शुरू कर दिया अदरवाइज बहुत ज्यादा अदब और एहतराम होता है स्कॉलर्स का हादी भाई को बोलो फजर पढ़ ले उठ के जल्दी तो अल्लाह ताला ने क्या कहा जब इन्होंने ये काम जानवर बन जाएगा तो ज़ाहिर वह जलील होगा ठीक है आपको वो हदीस चाहते है इससे रिलेटेड तो नहीं है लेकिन वैसे क्यामत के करीब की हदीस है आप सल्हल ने फरमाया सही हदीस है कि क्यामत के करीब ना ऐसा वक्त आएगा कि लोगों की गुनाहों की वजह से कुछ कुछ लोगों के गुनाहों की, की वजह से ना उन्हें ये बंदर और सुअर बना दिया जाएगा ये हदीस एग्जिस्ट करती है और ये क्या के करीब कहीं होगा लोगों के गुनाहों की वजह से तो हमें डरना चाहिए अल्लाह ताला से अल्लाह ताला ने बेसिकली आप वाले वाले सलम से वादा क्या किया था कि आपकी जो उम्मत है पूरी की पूरी किसी अजाब से खत्म नहीं होगी तबाह नहीं होगी लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि छोटी छोटी सजाएं नहीं मिल सकती गुनाहों की वजह से छोटी छोटी सजाएं कभी जल्जला आ जाता है पूरी इमारतें गिर जाती हैं सारे ही लोग मर जाते है, या आ जाता है, कुछ लोग आजमाइश होती है कुछ के लिए वो सजा ही होती है ठीक है तो हर किसी को अपने आमाल पता है हर किसी को अपने अमाल का असल में ख्याल रखना चाहिए बजाय इन बहसों में पढ़ने के कि ये सजा थी या आजमाइश थी मुझे ये फिक्र होनी चाहिए कि मेरा अमल ऐसा ना हो कि मुझे कोई भी सजा मिले तो ये सजा क्या के करीब जाके ये भी मिलेगी कि सूअ और ये बंदर बन जाएंगे लोग तो इन्हें ये सज़ा मिली और किताबों में लिखा है कि कुछ अरसे के बाद फिर जिनको अल्लाह ने बंदर बनाया था वो मर गए थे फिर फजअलनाहा नकला तो बना दिया हमने इसको नकालन इब्रत लिमा बैना यदयह वमा खल्फह उन लोगों के लिए जो उनके सामने थे वमा खल्फह और जो उनके बाद है मतलब बाद में आने वाले लोगों के लिए जैसे अभी आप के सामने ज्यूस थे या हम लोग भी बाद में आए आने तो हम सब के लिए और उनके सामने भी जो लोग थे उन सबके लिए उन्हें नकालन नकालबरत का सामान बना दिया अब अमाऊत म और मत्तिन के लिए नसीहत बना दी यानी इबरत और नसीहत एक ही बात है कि हम उससे लेसन लें हम उससे सीखें कि इस तरह के काम हमने नहीं करने अल्लाह ने जिस चीज से मना किया तो वो मना हो जाए और सीधे काम करने लगे ये पर्दे वगैरह में लोग इस तरह के कि हीले कितने निकालते हैं ना यहां से आ जाएं, यहां से पगड़ी बना के ले लें लोगों ने पर्दे में तो डिजाइन निकाले ना, कि वो पर्दे खत्म हो जाते हैं तो जिस तरह के काम नहीं करने चाहिए जो हुक्म है वो कर लेना चाहिए सीधी तरह मूसा और जब कहा मूसा सलाम ही अपने काम से इनकुम बेशक अल्लाह तुम्हें हुक्म देता है अंतर बहु बकर तुम जिबा करो गाय को कालू अत तखजुना हुजुआ उन्होंने कहा क्या तुम बनाते हो हमारा मजाक <स्याँगा> अब यहाँ पे ये वाक्य शुरू हो गया है गाय वा वो गाय वाला वाक्य जिसकी वजह से बेसिकली सूरत का नाम सूरहुल बाकर है ठीक है और ये जो वाक्य है ये कहीं और नहीं आता कुरान मजीद में इधर ही आता है तो सूरहस के जो नाम रखे जाते हैं ये मैंने आपको शुरू में बताया नहीं अमूमन इस वजह से भी रखे गए हैं कि उस सूरत में उसकी स्पेशियलिटी क्या है उस सूरत में कुछ खास क्या है जो उसको बाकी सूरतों से अलग कर देता है ठीक है तो वो ब, 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 टॉपिक चूज करके या वो वर्ड चूज करके सूरत का नाम रखा गया सूरत के कुछ नाम वही में भी बताए गए जैसे सूरतलबरा का नाम बाकायदा हमें आप सल्लम ने खुद बताया हदीस में भी बताए गए और कुछ फिर नाम सहाबा ने खुद भी रखे थे सूरतों के ठीक है तो सूरतों के नाम इस तरह डिफरेंट डिफरेंट है तो ये सूरत बाबरा का नाम हमें हदीस में मिल जाता तो डेफिनेटली हमें बताया अब आपसे को अल्लाह ने बताया या क्या ये आपसे जानते। लेकिन आपसे ने हमें कि सुरतुल्बकर और सरा आल इमरान पढ़ने वाले जो है क्यामत के दिन ये दोनों सूरतें उनके ऊपर साया करेंगी सुरतुल्बरा से रिलेटेड तो बहुत सारी हदीसें है ना कि जिस घर में सुरतुल्बकर पढ़ी जाती है वहां से शैतान भाग जाता है और जहां पड़ी जाती है उन पर जादू टोना नहीं होता इस तो इनशाला अल्लाह बेनिफिट हमें जरूर दिखाएंगे ठीक है तो हुआ क्या कि अल्लाह ताला ने इनको हुक्म दिया कि गाय को जिबा करो अब आपको पता है कि इनके दिल में जो बछड़ा इन्होंने पूजा शुरू की थी ना बछड़े की गाय के बच्चे की तो उसकी वजह से ना इनके दिल में गाय की ताज़ीम बैठ गई थी गाय की इज्जत और एहतराम जैसे इंडिया में अभी भी होता है गाय के साथ जानवरों की इज्जत बैठ जाती है सोचे जरा तो ये इनके दिल में भी ये बैठ गई थी और इसको अब निकालना था इसका निकालने का एक ही तरीका था कि अल्लाह तला बोले कि ये इनको इसको बा किया जाए तो अल्लाह ने ने हुक्म दिया कि एक गाय को ज़िबा करो कल इन्होंने कहा अत तखुना क्या तुम हमारे साथ मजाक कर रहे हो अपने नबी को कह रहे हैं कि तुम मजाक कर रहे हो हमारे साथ तो हजरत मूसा ने फरमाया मैं पनाह मांगता हूँ अल्लाह की इस बात से कि मैं जाहिल हो जाऊँ कि मैं जाहिलों में से हो जाऊँ मतलब कि अल्लाह का नाम लेके मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि गाय जबा करो तुम इसको मजाक कह रहे हो इस तरह के मजाक मैं करूँ ये जाहिलपन है ठीक है इस तरह के मजाक करना अल्लाह के हुक्म को मजाक बना के बताना ये जाहिलों वाला काम है तो मैं जाहिल बन तो मैं अल्लाह की पना मांगता हूँ इस बात से कि मैं ये जाहिलों वाला काम करूं ठीक है कि मैं इस तरह का जाहिल बन जाऊं जाहिल क्या होता है जो बेअकला इंसान होता है जो बेइल्म और बेअल इंसान होता है अकल और इल्म से काम नहीं ले रहा है, ठीक है तो मतलब कि हजरत मूसा अल्लाह की तरफ से ही बता रहे थे खुद से क्यों बताएंगे और हमेशा कौन सा पहली दफा उनपे वही आई थी जो इन लोगों को मानने में मसला हो रहा था लेकिन बस इनके आपको पता है ये नखरे तो इनके थे दूसरा ये ज्यादा हम यहाँ पे मुनाफिक की बात कर रहे हैं जो हजरत मूसा की कौम में जो मुनाफिक थे ना उनके ज्यादा हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे क्योंकि मैंने बताया था ना कि मदीना में ये दो हिजरी में ऑलमोस्ट ये सूरत नाजिल हुई है ना तो मैक्सिमम यानी तो उस वक्त नए नए मुसलमानों ने नए मुसलमानों ने नए नए मुनाफिक को देखना शुरू किया था उन्हें नहीं पता था कि ये भी एग्जिस्ट करते हैं तो उनसे रिलेटेड मिसालें उनसे रिलेटेड हिस्ट्री से एग्जांपल्स और उन उनकी खसलतें वगैरह वो सब एक्सप्लेन की जा रही हमें दूसरा जो वहाँ पे ज्यूस थे यहूदी थे उनको भी ज़ाहिर उनकी हिस्ट्री बताई जा रही है कि ये तुम लोगों ने काम किए थे तो ये अब तुम लोग मत करो तो इन ये फिर ये जो है ना नाजुन मिनल जाहिल मैं अल्लाह की पनाह मांगता हूँ इस बात से कि मैं जाहिलों में से हो जाऊँ तो ये दुआ है इसमें मांगा जा रहा है कुछ अल्लाह की पनाह मांगी जा रही है कि मैं बेअल ना हो जाऊं मैं बेल ना हो जाऊँ तो इतनी सी दुआ है छोटी सी ये आनी चाहिए इसको आप हाईलाइट कर लें और याद कर लें इसको अभी तक हमने सूरह अल-बकरा में कोई और दुआनी पड़ी ना अच्छा पीछे जो हमने पढ़ा था ना लास्ट क्लास में वाला खौन वो हम पहले भी पढ़ चुके थे हज़रत आदम अलैहि सलाम की दुआ में भी तो आता है हजरत आदम अलैहि सलाम वाला जो स्टोरी थी थर्टी टू थर्टी नाइन उसमें भी ये फ्रेज ऑलरेडी गुजर चुका था वहां भी पढ़ा था खैर हमने यहाँ रिपीट भी कर लिया कोई मसला नहीं है दूसरी दफ़ा था वो बस मैं ये बताना चाह रही थी इस सूरत में बहुत दफ़ा रिपीट होता है फिफ्टीन प्लस टाइम्स मेरे ख्याल में टेन टू फिफ्टीन प्लस टाइम्स रिपीट होता है

उन्होंने कहा यानी अब इनकी कौम क्या कह रही है पुकार पुकारो लाना हमारे लिए का अपने रब को हमारे लिए अपने रब को पुकारो यानी हमारे लिए अल्लाह से दुआ करो अब ये लोग खुद भी अल्लाह से दुआ कर सकते थे लेकिन इन्हें भी पता था इनकी हरकतें ऐसी हैं कि किस मुंह से अल्लाह से मांगे और मुनाफ्त भी इनके अंदर इतनी है तो अपने नबी से कह रहे इन्हें पता था नबी की बात तो कबूल ही होती है तो अपने रब से पूछे युब लना माहिया वाजे कर दे हमारे लिए कैसी हो वो ये नहीं, कौन सी गए करे ये, ये सवाल क्यों कर रहे थे इसलिए ना करनी पड़े ये बच जाए इससे फरमाते हैं इन ना फारद वाला बिक्र ना तो वह बूढ़ी हो और ना ही वो जवान हो अबान उम बई नजाल दरमियानी सी हो इसके दरम्यान हो बल्कि इनके दरमियान की जवान हो मतलब ना बुडियों हो और ना ही बिल्कुल ही कमसिन हो बल्कि दरमियान वाली एज जवानी वाली एज हो फलु फा माँ तो मरून तो करो जो तुम्हें हुक्म दिया जाता है फा इफ आलो इफ आलो फेले अमर फलु फा तो करो माँ तो मरून जो कि तुम हुक्म दिए जाते हो यानी पता चल गया ना अब ढूंढ लो और कर लो अच्छा ये बूढ़ी और कमसिन गाय छोड़ के किसी जवान गाय को लेके जबा करना उससे भी इनके दिल से तजीम चली जानी थी इन्हें पता चल जाना था कि अल्लाह की मखलूक से मखलूक की तरह डील करना है ढूंढना आसान था जवान गाय तो बहुत सारी होती है तो उनको उसको ढूंढ के आराम से कर लेते हैं लेकिन आगे से फिर पूछ रहे उन्होंने कहा उदोलाना और अब का दुआ मांगो हमारे लिए अपने रब से जो भी ये लना वाज़ह करते हमारे लिए माँ क्या है लून लून कलर को कहते हैं लुनुहा उसका रंग उसका रंग कैसा हो अब ये दुआ मांग रहे ये कह रहे हैं कि ये अल्लाह से पूछे अब बेसिकली ये करना नहीं चाहते काम जो उसके लिए बहाने बना रहे और कहा उसने फरमाया यानी हजरत मूसा ने इनहू यकूल बेशक वो फरमाता है यानी अल्लाह फरमाता है इनहा बकरातुन बेशक गाय हो, सफरा हो सफर असफर कौन सा कलर होता है येलो कलर फाकी उन पीले रंग की हो जर्द रंग की हो फाकी उन फाकी पाकिवन गहरा रंग हो उसका अः तसुर नाजरीन खुश करने वाली हो देखने वालों को गहरा चमकता रंग हो उसका फाक उल लवनुहा उसका रंग गहरा चमकता हो तसुर नाजरीन जो देखने वालों को ना खुश करते ऐसा खूबसूरत रंग होना चाहिए येलो सा जो येलो गहरा होता है और खूबसूरत चमकता हुआ होता है वो गोल्डन बन जाता है ना गोल येलो ही जो होता है ना चमकता हुआ जो गोल्डन होता है तो गोल्डन जैसा कलर हो ऐसा देखने वाले खुश हो जाए उसे देख के अब इनके लिए हुक्म थोड़ा सख्त हो गया अब इन्हें ढूंढने में मुश्किल होगी लेकिन ढूंढनी तो पड़ेगी अब ये दोबारा पूछ रहे हैं

मुशाबा मालूम होती है मतलब हमें कन्फ्यूजन हो गई है हमें अभी भी समझ नहीं आ रही तो कि हम क्या करें तो आप प्लीज दोबारा पूछते कि वो कैसी हो समझ ही नहीं आ रही <coughs> जैसे बच्चे करते हैं ना बच्चों को कुछ कहिए काम कर दो अम्मा अब तो जब बच्चों ने करना नहीं होता तो बड़े बहाने बनाते व इन्ना और बेशक हम इनशा हो अगर अल्लाह ने चाह ले महतादरूर रास्ता पा लेंगे मतलब जरूर समझ जाएंगे जरूर हिदायत पा क्या मतलब है और बेशक अगर, अगर अल्लाह ने चाह न तो हमें जरूर पता चल जाएगा। बात किस पे डालने की कोशिश कर रहे हैं अल्लाह तला पर अल्लाह जैसे अल्लाह ने, चाह तो अल्ला ने चाहा कि हमें समझ आए तो अगर अल्लाह ने चाह तो हमें समझ आ जाएगी और हम कर लेंगे कौला फरमाया इन्ना यकूल बेशक अल्लाह तरमाते हैं इन्ना बकर लाजलूल तुसर वाला हल जोतते हुए यानी जमीन में हल जोत जोत कर काम करने वाली ना हो यानी उससे अभी तक किसी ने कोई काम नहीं लिया वाला तस्किल हर्ष और ना ही वो पानी देती हो खेती को ना हो वो, ना ही वो जमीन की खेती में हल जोतती हो ना ही वो उसको पानी देती हो पानी कैसे देती होती गाय के साथ वो वही जो रेडी सी बांध के तो जोता भी जाता है और उसी में वो लगा देते होंगे पानी का सिस्टम भी यानी बकेट्स रख देते होंगे पानी गिरता रहता होगा गाय चलती होगी जो भी उनका सिस्टम था तो बेसिकली खेती बाड़ी का जो काम है ना गाय का जो काम है वो उससे नहीं लिया गया वो उस गाय ने काम नहीं किया अब ये थोड़ा सा मुश्किल हो गया ना क्योंकि गाय ने अपना काम तो करना होता है इनके पास ये जानवर थे ही इसलिए कि ये इनसे काम ले तो मजीद मुश्किल हो गया गोल्डन कलर की ढूंढना और फिर ऐसी गाय जिसने ये काम कभी नहीं किया मुसलमत बिल्कुल सही सलामत हो लाशी या तफीहा कोई उसपे निशान ना हो मतलब कि अब जो गाय काम ही नहीं कर रही है। जाहिर उस पर कोई निशान ही नहीं होगा मट्टी नहीं लगी हुई होगी कोई घास फूस पत्ते नहीं लगे होंगे कोई जख्म भी नहीं होगा जिस गाय ने रेस्टी करना है घर में ही रहना उस पर जख्म वगैरह भी क्यों होगा तो किसी किस्म का कोई निशान ना हो इस हक हम तुम लाए हो हक को अब तुमने हमें सच बताया अब तुमने सच्ची बात हमें बताई है कि हमने कौन सी गाय जिबा करनी थी फा तो उन्होंने उसे जिबा किया वमा का फाल और नहीं थे वो के वो ये करते मतलब वो करना नहीं चाहते थे लेकिन अल्टीमेटली अब वो फंस चुके थे तो उन्हें करना पड़ा उन्हें पता चल गया उनकी जान नहीं छोड़ी छूट रही अल्लाह ताला उनको छोड़ेंगे नहीं बल्कि जो हुक्म है वो आता ही रहेगा कि गाय ऐसी हो ऐसी हो ऐसी हो और इनके पास अल्टीमेटली ऐसी गाय मौजूद थी जिनकी तरफ अल्लाह ताला इन्हें ले गए जो अल्लाह ताला ने वही के जरिए ने बता दिया कि ये जो पर्टिकुलर गाय है ना इसी को जिबा करना है। इनके पास वो थी इन्हें फिर करना ही पड़ा और ये जो गाय की खसूसियात है इतना खूबसूरत येलो गोल्डन कलर हो और काम भी ना करती हो अब जिस गाय से ये काम नहीं ले रहे यकीन उसकी तजीम होगी इनके दिल में उसकी इज्जत होगी ना इसीलिए उससे काम नहीं ले रहे और खूबसूरत भी इतनी है निशान भी कोई नहीं है मतलब उसका बड़ा ख्याल रखते होंगे है ना तो इस वजह से वही गाय इनको फिर अल्टीमेटली करनी पड़ी अपनी बातों में खुद ही फंस गए फिर तुम आपस में बहस करने लगे उसके बारे में कि किसने कतल किया किसने कतल किया अब ये दूसरा वाक्य है लेकिन इसको अभी गाय वाले वाक्य से रिलेट करेंगे ठीक है ये एक और वाक्य हुआ एक और वाक्य क्या हुआ के एक शख्स को ना कत्ल कर दिया इन इन्हीं में से किसी एक शख्स ने अब बारह कबीले थे ना किसी एक कबीले के शख्स ने किसी एक को कत्ल कर दिया अब ये नहीं पता किसने किया अब वो बहस करने लग गई एक दूसरे पे इल्जाम डालने लग गए कि तुमने किया तुमने किया वाह मुखर जुम्मा तुम तक तुम और अल्लाह जाहिर करने वाला था उसको जो कि तुम छुपाते हो छुपाते थे मतलब कि तुम अब बता नहीं रहे किसने कत्ल किया लेकिन अल्लाह जाहिर कर देगा तुम अब छुपा रहे हो कातिल कौन है हर कबीला अपने बंदे को छुपाने लग जाता है ना ये वो बंदा खुद को भी छुपा रहा है सजा ना मिले तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि आप अल्लाह जाहिर करने वाला जो तुम छुपा रहे हो कि कातिल कौन है फकुलना तो कहा हमने अब ये कैसे पता चलेगा का, कातिल कौन है ये अब आगे बताया जा रहा है फकुलना तो कहा हमने इध रिबू मारो इसको बिबा इसके बाद से यानी ये जो मकतूल है ना जिसको जिसका कत्ल हो गया बेचारे का जो लाश है उसको मारो वही होता है ना हाँ, वही होता है अब मकतूर की थी ना इसका कोई एक हिस्सा लो और वो उसको मारो। मारने का मतलब नहीं। करके जोर से मारने लग जाओ मतलब ऐसी टैप करो ना जैसे हम थपकी देते हैं लोगों को इस तरह थपकी दो गाय का हिस्सा पकड़ के उसके बाजू पे टच कर दो इस तरह जो भी गाय का हिस्सा जरब लगाओ उससे का इसी तरह अल्लाह जिंदा करता है मुर्दों को यानी एक मिसाल है जैसे अल्लाह मुर्दों को जिंदा कर देता है तो अल्लाह ने यहाँ पर मुर्दा को जिंदा कर दिया इनके इस इस अल्लाह के हुक्म को पूरा करने पे ये अल्लाह ने इनसे करवाया इसलिए था कि तुम इसको मारो तो अल्लाह ताला के हुक्म से वो जिंदा हो गया वजूरी आयाती ही। और वो तुम सबको दिखाता है आयात ही अपनी निशानियां ताकि तुम अक्ल से काम लो तो ये जब हुआ है वो बंदा जिंदा हो गया तो उसने खुद ही बता दिया कि उसका कातिल कौन है ठीक है बता दिया तो फिर दोबारा ये बंदा फिर फौत हो गया मर गया खत्म हो गया बताने के लिए उठा था तो उस बंदे को फिर सजा हो गई जो भी कातिल था ना उसकी सजा हो गई पता चल गया कौन कातिल है अब ये आपको समझ आ रही है ये जो मोजे है ना इनको अल्लाह ताला बहुत सारे मुआजे दिखा रहे थे कोई एक मोजा तो नहीं तो इनको इसकी आदत थी इनके लिए ये कोई इतनी परेशानी वाली बात नहीं होती थी हम ऐसे कोई आउट ऑफ नेचर बात कोई सुपर नेचुरल चीजें देखने लग जाए हम तो बेहोश ही हो जाए ना और हमें बिल्कुल भी आदत नहीं है इस तरह की चीज़ों की लेकिन इन लोगों को तो मोजे हजरत मसीम के इतने ज्यादा देखे हुए थे बल्कि ये लोग तो उसको लाइट लेने लग गए थे सीरियस नहीं ले रहे थे उसको ठीक है वरना ये मनोसलवा का कभी मजाक ना उड़ाते इनके ऊपर अल्लाह ने साया किया हुआ था बादल भेजा हुआ था इनकी कितनी कितनी जगह बारह पानी के चश्मे इनके लिए निकाल दिए समंदर अलग कर दिया फिर भी इतनी बातें और इतने बहाने और तौरात को नहीं मान रहे और अहकाम को नहीं मान रहे रसूल का मजाक उड़ा रहे वगैरह वगैरह फिर भी ये काम कर रहे थे तो ये ज्यादा ईजी लेने लग गए थे रसूल इनमें मौजूद है उस बात को भी संजीदा ले रहे हैं ठीक है इसी तरह मुनाफिक क्या करते हैं कुरानो हदीस का मजाक उड़ाते हैं रोजों का कुरबानी का कितना मजाक उड़ाया जाता है तो ये अल्लाह तशानी दिखाई ताकि ये अक्ल से काम ले यानी अभी भी सुधर जाए इस तरह के काम छोड़ दे और अल्लाह से डरें, गुनाहों से गुनाहों बाज आ जाएं। सजा मिल रही है तो ये जो झूठ बोल रहे थे जो इन थे सारे किस्से में गाय वाले किस्से में ये कत्ल वाले किस्से में उस बंद कतल को बचाने के चक्कर में अल्लाह तला ने इनके दिलों को सख्त कर दिया सख्त करने का क्या मतलब होता है जब दिल सख्त हो जाएगा इसका मतलब है कि अब हिदायत उस पर असर नहीं करेगी ठीक है हिदायत से दूर हो जाएंगे वो ना अल्लाह की मानेंगे ना हकूकुल बात पूरे करेंगे लोगों की तरफ भी दिल सख्त हो जाएंगे अल्टीमेटली जहनुमी बनेंगे सही है तो ये बहुत बड़ी सजा है दिलों का सख्त हो जाना दुनिया में फिर हिदायत का ना मिल पाना ना तो फिर सख्त कर दिए दिल तो बारे इसके बाद फहिया कल हिजारा तो वो क्या है पत्थरों की तरह है। अशददा या उससे भी ज्यादा शदीद सख्ती में तो इनके दिल पत्थरों की तरह हो गए या उससे भी ज्यादा सख्त हो गए शदीद हो गए ये यानी मिसाल दी जा रही है जैसे पीछे हमने मिसालें पढ़ी थी ना दो मिसालें पढ़ी थी मुनाफिक इनको समझने के लिए उसके बाद हमने एक आयत पढ़ी थी जिसमें अल्लाह तहते हैं कि अल्लाह मच्छर की भी मिसाल देते हुए शर्माता नहीं है नहीं। तो कुछ मच्छर के बारे में पढ़ा था उसके बाद अब ये मिसाल आ रही है सुरतलब बकरा में आगे जाके भी मिसालें आएंगी ये मिसाल क्या बता रही है कि जो इंसान हिदायत के खिलाफ चलता है अल्लाह के अहकाम के खिलाफ चलता है तो उनके दिल अल्लाह ताला सख्त कर देते हैं कैसे सख्त कर देते हैं उसकी मिसाल दी जा रही है पत्थरों के साथ पत्थर जैसे सख्त कर देते हैं तो ये नाफरमानों की सजा है अब आगे किन पत्थरों अब आगे तीन किस्म के और पत्थरों का जिक्र आ रहा है ये किसके कि, किसके दिलों की बात हो रही है वो मुसलमानों के दिलों की बात हो रही है अब आगे ठीक है कस्बा तक जो ये थे काफिर थे मुनाफिक थे इनके दिलों की बात है आगे अब मुसलमानों के दिलों की बात है ठीक है इसको देखे बस ये करके तो इनशाला खत्म करते वह इन मिनल खिजार रहती और बेशक कुछ पत्थर ऐसे हैं जो के पत्थरों में से कुछ ऐसे हैं लमा या तफजर अनहार के उसमें से फूटती हैं हरें ठीक है लमा जरू मिनहुल अनहार फूटती उसमें से ऐसे जो कि उनमें से नहरें फूटती हैं तो कुछ अल्लाह ताला कह रहे हैं कि पत्थर ऐसे होते हैं कि जब उन पे बारिश का पानी गिरता है ना तो उनमें अल्टीमेटली सुराख होता है और उसमें से नहरें फूट पड़ती हैं बारिश का पानी ना भी गिरे अल्लाह ताला बेहतर जानते हैं पत्थरों में से किसी और रीजन की वजह से भी नहरें निकल सकती हैं अल्लाह ताला ने निकालना है ना तो अलबत् उसमें से नहर निकलती है पानी निकलता है मतलब खैर निकलती है कुछ दिल इसका मतलब यह हुआ कि कुछ दिल ऐसे पत्थरों की तरह होते हैं जिनमें से खैर निकलती है हिदायत निकलती है सही है तो यानी नरम पत्थर है ये कहा जा रहा है वह इन्ना मिनहा लमा या शक काकू फ रुजु मिनहुल और बेशक इनमें से कुछ ऐसे भी हैं लमा या शक जब वो फटते हैं तो उनमें से मिनहुल माँ पानी निकलता है शक हो जाते हैं वो ऊपर भी वो फट रहे थे तो नहरें निकलनी थी नीचे अब वो और ज्यादा टूट रहे हैं सॉरी तो अब ये बिल्कुल ये टूट गए पत्थर इसमें से और ज्यादा पानी निकल रहा है मतलब ये और ज्यादा नरम दिल है जिनमें से और ज्यादा खैर निकल रही है ये हिदायत रिसीव भी कर रहे हैं और हिदायत दे भी रहे हैं ठीक है यानी नेक काम कर रहे हैं नेक बातें बोल रहे हैं ये सारे अच्छे काम वगैरह ये सारी नेकियां कर रहे हैं तो ये दो तरह के दिल हो गए ठीक है एक दिल जिनमें जो इस तरह के हैं जैसे पत्थरों में से नहरें निकलती हैं खैर का बायस है फिर नंबर टू दूसरे दिल जो इससे भी ज्यादा नरम है जिसमें से और ज्यादा पानी निकलता है फिर तीसरे किस्म के व इन न मिनहा लमा यह भी तो मिन और कुछ इनमें से ऐसे हैं लमा यह भी तो मिन वो जो कि अल्लाह के खौफ से गिर ही पड़ते हैं ठीक है मतलब उनके दिलों में ये तीसरे किस्म का दिल सबसे ज्यादा अच्छा दिल है कि वो उनको जब हिदायत मिलती है वो अल्लाह की आयत सुनते हैं तो वो अल्लाह के खौफ से अल्लाह की ताज़ीम के खौफ से गिर ही पड़ते हैं ठीक है मतलब सजदे में ही गिर जाते हैं उनमें से इतनी खैर वो लेते भी हैं ख़ैर निकलती भी है तो ये पत्थरों की मिसालों से इंसान के दिल की हालत समझाई गई वह मलवा और अल्लाह उससे गाफिल नहीं है जो कि वो अमल करते हैं ठीक है तो ये दिलों की मिसाल याद रखनी है पत्थर बिल्कुल सख्त पत्थर के दिल किसके हो जाते हैं मुनाफिकीन के और ये फिर कुफार के जो नाफरमान है बिल्कुल काफिर है फांसी कर फिर मुनाफिक भी ठीक है चाहे वो खुद को मुसलमान कहते हैं फिर अगले तीन किस्म के दिल हैं जो के अच्छे दिल हैं नरम दिल हैं जिन पे असर होता है और खैर निकलती है सही वाखिर दावाना अलहम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन